हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नस्सो किचन। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मेथी कीमा बना रहे हैं। बहुत ही मज़े का बनता है फ्रेंड्स। कीमे में मेथी डाल के आप बनाओगे तो फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए हम क्या ले लिए हैं। हमने ले लिए है 250 ग्राम कीमा, मटन का कीमा, और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम तक ये एक गड्डी मेथी ले ली। उसको मैंने तोड़ के बारीक बारीक वॉश कर लियो अच्छे से। मेथी में आप इस तरह से बनाओगे ना तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। और यहाँ पे मैंने ना दो मीडियम साइज़ के प्याज ले ली हूँ, और मिर्ची ले ली हूँ 5 से 6 हरी मिर्ची। यहाँ पर दो टमाटर और अदरक लहसुन। हरी मिर्ची को हम कट कर लेंगे और अदरक लहसुन को हम लोग खलबत्ते में कूट लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह बोल के। तो फ्रेंड्स, आप जो भी नवे हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर लीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे 2 चम्मच तेल ले लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, कांदा, कांदे को हम अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको हम सुनहरा होने देंगे फ्रेंड्स, और अदरक लहसुन को हम कूट लेंगे बारीक बारीक। अब फ्रेंड्स हम मिर्ची भी ऐड कर लेंगे इसमें। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए। मैं इसमें 6 हरी मिर्ची और थोड़ी और भूखी मिर्ची भी डालूंगी, तो आप अपने हिसाब से बनाइए। हमारे घर में ज़्यादा थोड़ा तीखा खाते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डालिए। तो चलिए अब इसको भी डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को कूट भी ली हूँ। अगर आपके पास पिसा हुआ अदरक लहसुन है तो वो भी चलेगा। तो चलिए इसको ऐड कर लेती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दी हरी मिर्ची। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट कूटा हुआ। तो भी अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँगी मैं। और वीडियो को लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो अभी हमें ना इसमें टमाटर कट करके डाल देंगे। इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर ली हूँ। अब उसको जब तक ये फ्राई हो रहा है हम टमाटर कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें ना ये मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें है मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। तो हम इसको डाल देंगे। तो पहले सबसे पहले मैंने टमाटर ऐड कर लूँगी जो कट करके रखी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी ले ली। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर लिया। अभी सारे मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे हम। टमाटर भी अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे जब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर मसाले पूरे मिक्स कर लिए हैं। अब इसको थोड़ी देर हम टमाटर को पकाएँगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। फिर इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर भी अच्छे से गल गए। अब हम इसमें डालेंगे कीमा, उसको भी अच्छे से भूनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल अच्छे से छूट गया है कीमे में, अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें ना थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ा 2-4 सीटी ले लेंगे कीमा, ताकि हमारा गल जाए। तो फ्रेंड्स, आप सब कहाँ से हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर ना मैं इसको ना कुकर की सीटी लगा, उसे ढक्कन लगा के सीटी ले लूँगी 3 से 4। इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड कर लूँगी, उसको ढक्कन लगा के 4 सीटी ले लूँगी। फिर उसके बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। 1 गिलास पानी डाल दूँगी। आधा गिलास पानी ऐड कर लिया हमने, थोड़ा सा और डाल दूँगी, और इसको 3 से 4 सीटी ले लूँगी अभी मैं।
बहुत ही फटाफट बनने वाला और मज़ेदार बनता है फ्रेंड्स कीमा मेथी। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कीमे का पानी भी अच्छा सूख गया है, हमने 3 से 4 सीटी ले लिए है और कीमा गल गया अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी की भाजी जो हमने तोड़ के वॉश करके रख लिए हैं। इसको हमें ना सीटी लगा के नहीं पकाएंगे फ्रेंड, इसको हमें ना सिर्फ ऐसे ही ओपन करके ही पकाएंगे, क्योंकि वो बंद करके पकाने से ना कड़ू कड़ू हो जाती है मेथी की भाजी। तो हम इसको ना पूरी मेथी डाल के अच्छे से स्लो आंच पे पकने रखेंगे। अगर इसके अंदर आपको आलू डालना है तो आलू भी डाल दीजिए। मेरा हाथ दिख रहा है, आपको आटा गूंद रही थी इसके लिए से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स को रोटी के साथ में दाल चावल के साथ में खाइए, बहुत ही मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स को भी हमें गैस चालू कर लेंगे, गैस मैंने बंद कर दी थी। चलिए फिर इसको मैं ना पका लेंगे स्लो आंच पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेथी को मिक्स कर ली कीमे के साथ में। अब हम इसको ना स्लो आंच पे पकने देंगे और मेथी अच्छे से पक जाए तो फिर हमारी मेथी कीमा तैयार है। तो चलिए इसको ना 5 मिनट के लिए हम स्लो आंच पे पकाएंगे। अगर आपको आलू भी ऐड करना है तो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मेथी कीमा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए लग रहा है ना एकदम मज़ेदार जायकेदार मेथी कीमा। तो फ्रेंड्स आप भी बना के देखिए और ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना था मेथी कीमा। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मैं मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तो ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ऐसा बटन रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।